नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं डी ट्रिपल एस बी के लेटेस्ट अपडेट के साथ। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, तो ठीक है विस्तार से देख लीजिए। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 9 जुलाई 2019 को जारी किया गया है ये पब्लिक नोटिस। इट हैज बीन नोटिस दैट व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर डिफरेंट वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनॉमस बॉडीज, सम कैंडिडेट्स फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन for a particular postcode by using different login IDs, which is undesirable and lead to inconvenience to both the candidates and the board at various stages of examination process. तो दोस्तों इसमें बताया गया है, जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है ऑनलाइन मोड में, तो कई बार वो एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है। तो ये बोल दिया गया है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से कि ये अनडिजायरेबल है और इनकन्वीनियंस पैदा करता है कैंडिडेट्स के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो क्या डिसाइड किया गया है बोर्ड की तरफ से, देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन सच केसेस डी ट्रिपल एस बी शैल अलाउ टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड ओनली एज पर द इंफॉर्मेशन फील्ड अप इन द लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। तो डी ट्रिपल एस बी ने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी आपका लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो सबसे बाद में आपने फॉर्म भरा है, उसी के बेसिस पे आपका ई एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। The candidate will be solely responsible for any incorrect information filled up in the latest application form, previous application if any, in respect of the particular postcode of a candidate shall be stand cancelled. तो ठीक है दोस्तों, यही एक अपडेट आई थी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से पब्लिक नोटिस के माध्यम से आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी डी ट्रिपल एस बी किसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।